5 दिन पहले युवती की गला घोंटकर हत्या। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती की लोहे की रॉड से बनी कलछुल से गला दबाकर बदमाशों ने हत्या कर दी। शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। बुधवार की रात में कुर्मी बिजौली अठैसी गांव में राम तीरथ की वर्षीय पुत्री रोशनी हमेशा की तरह अपने कमरे में सो रही थी। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने युवती के बिस्तर से उठाकर बगल के कमरे में ले जाकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर लोहे की रॉड से बनी कलछुल से गला दबाकर हत्या कर दी। यह घटना तब जानकारी हो पाई जब युवती की मां सुशीला अपनी पुत्री रोशनी को भोर में भैंस के दूध निकालने के लिए दरवाजा खटखटाया और दरवाजा नहीं खुला और ना ही अंदर से रोशनी की आवाज आई। दरवाजे के अंदर जब उसकी मां घुसी तो देखा बिस्तर पर रोशनी नहीं थी। मां ने बगल वाले कमरे में जाकर देखा तो रोशनी की गले से लोहे की रॉड से बनी कलछुल चिपकी थी और मुंह में कपड़ा भरा हुआ था, जिसको देखकर मां ने हल्ला गुहार मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर कोतवाल बेचू सिंह यादव, चौकी प्रभारी आनंद प्रकाश श्रीवास्तव मय फोर्स वालों के साथ वहां पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर शव को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटना की तहरीर परिजन से लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। रोशनी डॉटर ऑफ राम तीरथ, उम्र 19 वर्ष, निवासी बिजौली अठेसी का पुरवा, थाना जयसिंहपुर की, आज रात्रि में गला दबाकर घर के अंदर मृत्यु होने की सूचना है, जिसका अभियोग दर्ज कर लिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है।